और वहीं पीएम मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग के दौरे पर रहेंगे, जहां परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के हजारीबाग जिला प्रशासन और बीजेपी की ओर से तैयारी भी की जा रही है। परिवर्तन यात्रा की तैयारी को लेकर के आज बीजेपी के कई नेता हजारीबाग में तैयारी की समीक्षा करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा समेत पार्टी के शीर्ष नेता तैयारी का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो हजारीबाग के दौरे पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, तो वहीं इसी को लेकर के जो कार्यक्रम है उसके लेकर के तमाम नेता यहां पर समीक्षा करेंगे। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा परिवर्तन यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड के हजारीबाग जिले के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। हालांकि परिवर्तन यात्रा झारखंड के भोगनाडीह से 20 सितंबर को अमित शाह द्वारा इसकी आगाज की गई थी और प्रत्येक दिन हर एक जिले में अलग अलग तरीके से परिवर्तन यात्रा के नाम पर कई कार्यक्रम पूरे झारखंड में देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो अमित शाह की बात कर ले, नितिन गडकरी की बात कर ले, या फिर हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर ले, या फिर जेपी नड्डा की बात कर ले, तमाम जो भाजपा के बड़े दिग्गज हैं सोरेन सरकार के खिलाफ झारखंड में गोलबंद नजर आए, सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर विरोध करते नजर आए। लेकिन अब इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परिवर्तन यात्रा में शामिल होने वाले हैं, यानी सोरेन सरकार के खिलाफ दिग्गजों के साथ साथ अब प्रधानमंत्री भी परिवर्तन यात्रा में शामिल होने वाले हैं। हालांकि यह परिवर्तन यात्रा 2 अक्टूबर को इसका समापन समारोह है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर भाजपा के तमाम दिग्गज उनकी तैयारियों में, उनके कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गई है। हजारीबाग की जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गई है। आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जायजा लेने के लिए असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा भी रांची पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा पार्टी के ऐसे कई शीर्ष नेता आज हजारीबाग जाएंगे और हजारीबाग में 2 अक्टूबर को परिवर्तन यात्रा की समापन समारोह के होने वाले कार्यक्रम का वो जायजा लेंगे, क्योंकि उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ठीक चुनाव से पहले परिवर्तन यात्रा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावों में जुट गई है। वो चाहती है कि परिवर्तन यात्रा के नाम से, परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम से सोरेन सरकार के नाकामियों को जनता तक वो गिनाए, जनता तक वो गिनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बीजेपी को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी देखना कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाले गए परिवर्तन यात्रा की सफलता उन्हें इस चुनाव में कितनी मिलती है, ये फिलहाल थोड़ा और इंतजार कर रहा होगा। अपने वीडियो जल समीत के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। और वहीं पीएम मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग के दौरे पर रहेंगे, जहां परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के हजारीबाग जिला प्रशासन और बीजेपी की ओर से तैयारी भी की जा रही है। परिवर्तन यात्रा की तैयारी को लेकर के आज बीजेपी के कई नेता हजारीबाग में तैयारी की समीक्षा करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा समेत पार्टी के शीर्ष नेता तैयारी का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो हजारीबाग के दौरे पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, तो वहीं इसी को लेकर के जो कार्यक्रम है उसके लेकर के तमाम नेता यहां पर समीक्षा करेंगे। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा परिवर्तन यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड के हजारीबाग जिले के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। हालांकि परिवर्तन यात्रा झारखंड के भोगनाडीह से 20 सितंबर को अमित शाह द्वारा इसकी आगाज की गई थी और प्रत्येक दिन हर एक जिले में अलग अलग तरीके से परिवर्तन यात्रा के नाम पर कई कार्यक्रम पूरे झारखंड में देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो अमित शाह की बात कर ले, नितिन गडकरी की बात कर ले, या फिर हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर ले, या फिर जेपी नड्डा की बात कर ले, तमाम जो भाजपा के बड़े दिग्गज हैं सोरेन सरकार के खिलाफ झारखंड में गोलबंद नजर आए, सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर विरोध करते नजर आए। लेकिन अब इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परिवर्तन यात्रा में शामिल होने वाले हैं, यानी सोरेन सरकार के खिलाफ दिग्गजों के साथ साथ अब प्रधानमंत्री भी परिवर्तन यात्रा में शामिल होने वाले हैं। हालांकि यह परिवर्तन यात्रा 2 अक्टूबर को इसका समापन समारोह है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर भाजपा के तमाम दिग्गज उनकी तैयारियों में, उनके कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गई है। हजारीबाग की जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गई है। आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जायजा लेने के लिए असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा के चुनाव सहप्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा भी रांची पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा पार्टी के ऐसे कई शीर्ष नेता आज हजारीबाग जाएंगे और हजारीबाग में 2 अक्टूबर को परिवर्तन यात्रा की समापन समारोह के होने वाले कार्यक्रम का वो जायजा लेंगे, क्योंकि उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ठीक चुनाव से पहले परिवर्तन यात्रा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावों में जुट गई है। वो चाहती है कि परिवर्तन यात्रा के नाम से, परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम से सोरेन सरकार के नाकामियों को जनता तक वो गिनाए, जनता तक वो गिनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बीजेपी को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी देखना कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाले गए परिवर्तन यात्रा की सफलता उन्हें इस चुनाव में कितनी मिलती है, ये फिलहाल थोड़ा और इंतजार कर रहा होगा। अपने वीडियो जल समित के साथ सूरज, न्यूज स्टेशन रांची। और वहीं पीएम मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग के दौरे पर रहेंगे, जहां परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के हजारीबाग जिला प्रशासन और बीजेपी की ओर से तैयारी भी की जा रही है। परिवर्तन यात्रा की तैयारी को लेकर के आज बीजेपी के कई नेता हजारीबाग में तैयारी की समीक्षा करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा समेत पार्टी के शीर्ष नेता तैयारी का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो हजारीबाग के दौरे पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, तो वहीं इसी को लेकर के जो कार्यक्रम है उसके लेकर के तमाम नेता यहां पर समीक्षा करेंगे। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा परिवर्तन यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड के हजारीबाग जिले के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। हालांकि परिवर्तन यात्रा झारखंड के भोगनाडीह से 20 सितंबर को अमित शाह द्वारा इसकी आगाज की गई थी और प्रत्येक दिन हर एक जिले में अलग अलग तरीके से परिवर्तन यात्रा के नाम पर कई कार्यक्रम पूरे झारखंड में देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो अमित शाह की बात कर ले, नितिन गडकरी की बात कर ले, या फिर हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर ले, या फिर जेपी नड्डा की बात कर ले, तमाम जो भाजपा के बड़े दिग्गज हैं सोरेन सरकार के खिलाफ झारखंड में गोलबंद नजर आए, सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर विरोध करते नजर आए। लेकिन अब इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परिवर्तन यात्रा में शामिल होने वाले हैं, यानी सोरेन सरकार के खिलाफ दिग्गजों के साथ साथ अब प्रधानमंत्री भी परिवर्तन यात्रा में शामिल होने वाले हैं। हालांकि यह परिवर्तन यात्रा 2 अक्टूबर को इसका समापन समारोह है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर भाजपा के तमाम दिग्गज उनकी तैयारियों में, उनके कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गई है। हजारीबाग की जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गई है। आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जायजा लेने के लिए असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा के चुनाव सहप्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा भी रांची पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा पार्टी के ऐसे कई शीर्ष नेता आज हजारीबाग जाएंगे और हजारीबाग में 2 अक्टूबर को परिवर्तन यात्रा की समापन समारोह के होने वाले कार्यक्रम का वो जायजा लेंगे, क्योंकि उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ठीक चुनाव से पहले परिवर्तन यात्रा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावों में जुट गई है। वो चाहती है कि परिवर्तन यात्रा के नाम से, परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम से सोरेन सरकार के नाकामियों को जनता तक वो गिनाए, जनता तक वो गिनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बीजेपी को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी देखना कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाले गए परिवर्तन यात्रा की सफलता उन्हें इस चुनाव में कितनी मिलती है, ये फिलहाल थोड़ा और इंतजार कर रहा होगा। अपने वीडियो जल समित